नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं रेबिका कोटी। आइए सबसे पहले देखते हैं देश और दुनिया की खबरें। गुलाम नबी आजाद को आतंकियों से मिली धमकी बताया गद्दार, अमित शाह का भी जिक्र। केरल राज्य कांग्रेस ने के सुधाकर को पीसीसी अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनने का प्रस्ताव पारित किया। खराब नीट स्कोर, कम फीस के चलते गए थे यूक्रेन, भारत में नहीं दे सकते दाखिल, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए, उनके काफिले के रास्ते में बांधा डालकर उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। कॉन्टास ने बेंगलुरु सिडनी उड़ान शुरू की, दक्षिण भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली सीधी उड़ान। सलमान को फार्म हाउस के रास्ते में मारने की थी साजिश, लॉरेंस गैंग ने 3 महीने में 2 बार कोशिश की, शूटर्स ने फार्म हाउस पर नजर रखी। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी गिरफ्तार, 800 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। भारत जोड़ो यात्रा में यात्रियों के लिए सख्त नियम, बहुत सुबह 4 बजे उठना, नहाने के लिए सिर्फ 5 मिनट, 6 बजे तक तैयार होना जरूरी। क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, 17 से 19 सितंबर तक ब्रिटेन में रहेगी राष्ट्रपति, पद संभालने के बाद पहले विदेश यात्रा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मांग, बढ़ाई जाए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज। बलात्कार को सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती, राहुल। 4 दिन में मुझे गिरफ्तार करो नहीं तो, बीजेपी के स्टिंग वीडियो पर सिसोदिया। सामने आया केजरीवाल का नया मिशन, ओवैसी की पहले ही हो चुकी एंट्री। अरबों की जमीन पर कब्जा, योगी सरकार के अफसरों पर बीजेपी विधायक के आरोप, अखिलेश का तंज। शराब घोटाले में नया स्टिंग वीडियो, लाई बीजेपी, कहां केजरीवाल की खुली पोल। मालदीव में वेकेशन मान रही मौनी राय, हाथ में ग्लास लेकर डांस करती दिखी एक्ट्रेस, फैंस ने बताया क्यूट। स्कूलों में पगड़ी, तिलक और क्रॉस पर बैन नहीं तो हिजाब पर क्यों, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने दी दलील। लखीमपुर डबल मर्डर, बेटे राशन लेने गए थे, गलत किया होता तो भाग जाते, बोले आरोपी लड़कों के परिवार वाले। जॉर्ज एंड्रियानी के स्टनिंग लुक से नजरें हटा पाने हो जाएंगे मुश्किल, पेपराजी को दिए फोज। कपड़ों को लेकर ट्रोल होने वाली उर्फी जावेद की हॉलीवुड फैशन डिजाइनर ने की तारीफ, कहा क्या अब और बोल्ड होंगे एक्ट्रेस के आउटफिट। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।